हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सीसिंह। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि दीदी बी फार्मा के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो आज हम लोग ऑफिशियली जो आया है नोटिफिकेशन इसके ऊपर बात करेंगे, बी फार्मा का एडमिशन और बी फार्मा प्रैक्टिस का भी बात करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गूगल में जाके आप सभी को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, उसमें आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाना है। तो 21 को ये नोटिफिकेशन आया है बी फार्मा का, जो प्रैक्टिस सेशन का भी है और एक नॉर्मल जो आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो वो कोर्स भी यहाँ पे दिया गया है। तो पहले हम लोग एडमिशन नोटिस देखते हैं। 4 ईयर्स जो 8 सेमेस्टर का एक बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स है, तो इसमें आपको एलिजिबल होने के लिए आपको आसाम का डोमिसाइल स्टेट का आपको बासिंदा मतलब PRC होना पड़ेगा, रेसिडेंट होना पड़ेगा और 10+2 HS आपको पास आउट होने होंगे साइंस स्ट्रीम से, आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल बोर्ड से। और एक बात, आप लोग अगर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से किसी भी एक 10+2 जैसा कोर्स या फिर एग्जामिनेशन पास आउट हुए हो जिसमें आपका इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स रहे होंगे, तो आप लोग एलिजिबल हो ये कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो ये बात सब पे लागू होती है। देखो, नॉर्थ ईस्टर्न के जो भी स्टेट से आते हो आप लोग अदर देन आसाम के हो, वो भी पैराग्राफ ए की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हो तो आपको एडमिशन मिलता है। और एक एलिजिबिलिटी दिया गया है कि अगर फार्मेसी का डिप्लोमा 2 साल का जो कोर्स होता है वो एग्जामिनेशन भी अगर आप पास करते हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से आसाम के, जिसमें PCI एंड AICT रिकॉग्नाइज होना होगा, तो आप लोग एलिजिबल होते हो। और इनटेक ऑफ कैंडिडेट्स मतलब 50 जो सीट से कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये भी एक बार देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स है सभी स्टेट्स को 2 ही सीट दिया जाएगा, आसाम के स्टूडेंट को सिर्फ 7 सीट दिया जाएगा, जिसमें आपको PRC भी शो करना होगा। जनरल के लिए 3 SC1 ST1, डी फार्मा के लिए 2 सीट रहेंगे। एंडोमेन कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो 31 रहेंगे और एंडोमेन जो EWS कैटेगरी है उनके लिए 5 सुपर न्यूमरेरी के लिए सीट रहेंगे। तो आप सभी को एक काउंसलिंग का डेट दिया जाएगा जिसमें आपको ऑनलाइन मोड में पैसे पेमेंट करने होंगे। तो स्टेट कैटेगरी के जो हो 6,188 रुपीज़ पर ईयर आपको पेमेंट करने होंगे, एंडोमेन कैटेगरी के लिए 48,788 और हॉस्टल एडमिशन फ़ी अगर हॉस्टल आपको दिया जाता है, अलॉट किया जाता है, तो 2,900 देने होंगे। हॉस्टल के लिए अलग से आपको एडमिशन लेने पड़ते हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पे नोटिस दे देंगे, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों का लास्ट डेट दिया गया है 30 जून, मतलब 30 जून से पहले ट्राई करने का कोशिश करना। अगर बहुत लेट तक वेट करते रहोगे तो सर्वर डाउन ट्रैफिक इशू के वजह से नहीं कर पा सकते या फिर बहुत सारी दिक्कतें आएगी, तो पहले ही कोशिश करना जितना हो सके जल्दी जल्दी पेमेंट कर देना और अच्छे से फिलअप करना। तो नेक्स्ट नोटिस आया है बी फार्मा प्रैक्टिस प्रोग्राम के लिए। 2 साल का ये कोर्स होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव किया हुआ किसी भी एक इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी पास आउट होने होंगे, या फिर आप लोगों को एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना होगा, या फिर आपको मिनिमम 4 साल का फार्मेसी प्रैक्टिस रहने होंगे, एक्सपीरियंस रहने होंगे किसी भी एक हॉस्पिटल में या फिर कम्युनिटी में, और एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना है जो एनेक्सर ए लास्ट में आपको मिलेगा PDF का लास्ट में। और आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए 30 जून तक ही टाइम है और इसको डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप लोग रजिस्टर कर सकते हो बाय क्लिकिंग द रजिस्टर बटन, जिसमें आपको नाम, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड देने होंगे। पासवर्ड देने के बाद आपको एक OTP आएगा मोबाइल नंबर में, उसको वेरीफाई करते ही आपको लॉगिन करने के लिए बोलेंगे। लॉगिन करने के बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करना, 2 ईयर्स बी फार्मा प्रैक्टिस प्रोग्राम सिलेक्ट करना, देन जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाएगा वो आपको फिलअप करना है, देन सबमिट करके रिव्यू करना। सब कुछ सही रहा तो पे नाउ एंड सबमिट द एप्लीकेशन। उसके बाद 750 रुपीज़ आपको एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने होंगे, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली मतलब कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट करना हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया गया है, इनटेक कैपेसिटी 40 सीट्स फॉर जो भी प्रैक्टिस करने के लिए ये एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 40 सीट है और जो डायरेक्ट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 50 सीट है।
और एप्लीकेशन का आप लोग देख सकते हो 750 रुपीज़ है फीस, और फीस स्ट्रक्चर है इस कोर्स का सिर्फ और सिर्फ 25,000। तो ये कोर्स में एंट्रेंस नहीं देना होता है, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स या फिर मेरिट लिस्ट जो बोलते हो वो 10 जुलाई को आएगा, और आप लोगों का एडमिशन या फिर काउंसलिंग का डेट देगा 12 जुलाई को। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। तो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।